स्वागत है आपका आपके अपने चैनल EN हिंदी पर। आज है 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिम स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष स्थापित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के नए उद्यमियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए हिम स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष स्थापित किया है। IIT मंडी द्वारा आयोजित हिमालय स्टार्टअप टैरक के चौथे संस्करण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है, जिसने उद्यमियों के सपनों को पंख लगाए हैं और यह कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि IIT मंडी पिछले 4 वर्षों से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और देश भर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप IIT मंडी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कैटालिस्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि देश भर में यह प्रतिष्ठित संस्थान उद्यमिता और स्टार्टअप सूचकांक में 7वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए गए प्रयासों से राज्य को भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना आरंभ की गई है और इस कार्यक्रम के तहत नवोमेश विचारों वाले युवाओं को 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विचारों के कार्यान्वयन और मार्केटिंग के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप को पेटेंट फाइल करने के लिए 2 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट फाइल करने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम स्वरोजगार उद्यम के लिए प्रयासरत प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा दे रहा है। कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हिमाचल में कोविड वार्ड में सेवाएं देने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपए प्रति शिफ्ट प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी सरकार आशा वर्करों को 2,000 रुपए इंसेंटिव दे रही है। हिमाचल में 5,000 से ज्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड सेंटर और अस्पतालों में लगाई गई है। यह कर्मचारी बारी बारी कोविड मरीजों को सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को खाना, दवाइयां या जरूरत का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी सरकार आशा वर्करों को इंसेंटिव के तौर पर 2,000 रुपए दे रही है। हालांकि यह राशि बीते महीनों से रुकी हुई थी, अब सरकार ने इसे जारी करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोविड ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे में इन्हें 200 रुपए प्रति शिफ्ट इंसेंटिव दिया जाएगा। हिमाचल में कोरोना से 11 लोगों की मौत, 628 नए संक्रमित मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना के चलते 11 और लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार IGMC शिमला में दियारा सेक्टर बिलासपुर के 74 वर्षीय व्यक्ति, जकोल जुबल के 64 वर्षीय व्यक्ति, कुमारसेन के 64 वर्षीय व्यक्ति व रामपुर क्षेत्र के 81 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में खुंडिया के सलिहार के बलिहार से 56 वर्षीय व्यक्ति, कांगड़ा के 84 वर्षीय व्यक्ति व गाहलिया के 86 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करसोग के मोहन निवासी 70 वर्षीय व्यक्ति व हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 11 की 70 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके अलावा नाहन मेडिकल कॉलेज में पच्छाद के 57 वर्षीय व्यक्ति व चंबा मेडिकल कॉलेज में अपर जुलाकड़ी के 58 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। बता दें कि कांगड़ा के 84 वर्षीय व्यक्ति की मौत को प्रदेश में दर्ज नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है उप मामला माइग्रेटरी का है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 628 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। संक्रमितों में मंडी के 159, सोलन के 98, कांगड़ा के 81, शिमला के 70, कुल्लू के 49, ऊना के 40, चंबा के 36, सिरमौर के 28, बिलासपुर के 24, किन्नौर के 19, हमीरपुर के 17 व लाहौल स्पीति के 7 लोग शामिल हैं। प्रदेश में जहां कोरोना के 628 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 737 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इनमें शिमला के 199, सोलन के 138, कांगड़ा के 113, हमीरपुर के 57, कुल्लू के 49, बिलासपुर के 42, मंडी के 37, चंबा के 29, किन्नौर व लाहौल स्पीति के 28, ऊना के 16 व सिरमौर का 1 व्यक्ति शामिल है। प्रदेश में अब कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 48,982 हो गया है। इसमें से 7,606 मामले सक्रिय है। हिमाचल ऊना में किसान सम्मान निधि के डकार लिए 1.30 करोड़। हिमाचल के जिला कांगड़ा में सरकारी कर्मचारियों के किसान सम्मान निधि डकारने का मामला सामने आने के बाद अब ऊना जिले में भी 1.30 करोड़ रुपए डकारने का मामला सामने आया है। जिले के 57 सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों समेत 1256 करदाताओं ने किसानों के हक की राशि हड़प ली। ये सभी किसान सम्मान निधि के लिए पात्र नहीं थे, अब इनसे रिकवरी की जाएगी। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में एक व्यक्ति ने किसान सम्मान निधि की राशि जमा भी करवा दी है। जिले में 1256 सरकारी रिटायर कर्मियों और आय करदाताओं ने करीब 1.30 करोड़ रुपए डका लिए। 57 सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मियों ने 4.57 लाख रुपए हड़प कर लिए।
आय करदाता 1199 लोगों ने भी 1.25 करोड़ राशि डका दी। अब इन्हें प्रशासन नोटिस भेज रहा है। वर्तमान में किसान सम्मान निधि को लेकर लाभार्थियों की सॉफ्टवेयर से वेरिफिकेशन की जा रही है। ऐसे में किसान निधि के नाम पर राशि निकालने वालों की फहरिस्त लंबी हो सकती है। उधर डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि गलत तरीके से किसान सम्मान निधि की राशि लेने वालों की सूची मिली है, इन्हें रिकवरी नोटिस दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए जमा करवा दिए है। सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मी नहीं है पात्र। किसान सम्मान निधि योजना में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं है। 10,000 से अधिक पेंशन लेने वाले रिटायर कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। बावजूद इसके ऊना जिले के 57 ऐसे लोगों ने आवेदन किया और 4.5 लाख रुपए अधिक की राशि हड़प भी ली। आंदोलन में शामिल होने हिमाचल के किसान भी पहुंचे पंजाब और हरियाणा। किसान आंदोलन में हिमाचल के किसान भी शनिवार को टोल फ्री कराने के लिए पंजाब और हरियाणा में पहुंचे। प्रदेश के पांवटा साहिब, ऊना, पालनपुर और रामपुर क्षेत्र के करीब 800 किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। प्रदेश के किसान 14 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के घरों के बाहर धरना देने भी पहुंचेंगे। प्रदेश सब्जी एवं फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि किसानों के आंदोलन को हिमाचल के किसानों का पूरा समर्थन है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का असर हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों और बागवानों पर ज्यादा नहीं पड़ता है। हिमाचल में बागवानों को समर्थन मूल्य सरकार देती रही है, इसके बाद भी हिमाचल के किसान देश भर के किसानों के साथ आंदोलन में है। कहा कि देश के किसानों की 14 मांगों को मानने को केंद्र सहमति है। केंद्र सरकार एपीएमसी को मजबूत बनाने और निजी क्षेत्र पर राज्य सरकार को टैक्स लगाने को सहमत हो गई है। देश के किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग प्रमुख है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही पीपीई किट घोटाले की जांच बंद। पीपीई किट की जगह रेनकोट सप्लाई करने के मामले की जांच विजिलेंस विभाग ने बंद कर दी है। विभाग के अधिकारी जांच बंद करने का कारण नहीं बता पा रहे हैं। कोरोना काल में हुए इस घोटाले की जांच सरकार ने विजिलेंस को सौंपी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि 1.5 माह से इसकी फाइल बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही बंद कर दी गई। कोरोना काल में बहुचर्चित पीपीई किट घोटाले की विजिलेंस ने करीब 5 माह तक जांच की। अचानक इसकी फाइल बंद करने से सरकार के भ्रष्टाचार से निपटने के दावों की पोल खुल गई है। पहले इसकी जांच विभागीय स्तर पर भी चल रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विजिलेंस को सौंपा गया था। विजिलेंस विभाग भी इसकी जांच पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक से फाइल बंद हो गई। मामले से जुड़े अहम अधिकारियों के बयान विभाग ने दर्ज कर लिए हैं। कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज करना बाकी थे। यह था मामला। लॉकडाउन के दौरान कोविड केंद्रों में ड्यूटी पर चिकित्सकों तक जब पीपीई किट पहुंची तो पता चला कि पीपीई किट की जगह रेनकोट आए हैं। चिकित्सकों ने इन्हें पहनने से इनकार कर दिया था। पीएमओ मार्कंडेया कोविड केंद्रों के नोडल अधिकारी थे। उन्होंने कहा था कि साफ दिख रहा है कि पीपीई किट के नाम पर रेनकोट स्वास्थ्य कर्मियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बाद घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस मामले की फाइल 1.5 माह पहले बंद कर दी गई है। इसमें कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज हो गए थे। कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज होना बाकी था। संजय, डीएसपी विजिलेंस बिलासपुर। पुलिस और गैंगस्टरों की मुठभेड़ में एक जख्मी पीजीआई में भर्ती। हरियाणा के पपलोहा में अपराध कर भाग रहे गैंगस्टर की टीम और हरियाणा पुलिस की मुठभेड़ में एक व्यक्ति के टांग में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। यह मुठभेड़ हिमाचल के बरोटीवाला थाने के तहत कालूजिंडा में हुई। हरियाणा राज्य के कालका पुलिस थाने के प्रभारी दलीप सिंह ने बरोटीवाला थाने में मामला दर्ज कराया है। कालका थाना प्रभारी दलीप सिंह ने बताया कि हरियाणा के पपलोहा निवासी गैंगस्टर अमित गुज्जर के खिलाफ हरियाणा में 307 के तहत मामला दर्ज था। जैसे ही पुलिस को उसके नानकपुर क्षेत्र में होने की सूचना मिली तो पुलिस ने उसका पीछा किया। वह अपनी गैंग के साथ नानकपुर से होता हुआ हिमाचल के कालूजिंडा में घुस गया। कालूजिंडा में अमित गुज्जर व उसके साथी चन्नी, बिट्टू व बग्गा सिंह के बीच पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग हुई। इस फायरिंग में हरियाणा के एक पुलिस जवान व अमित गुज्जर के साथी बग्गा सिंह को गोली लगी है। बग्गा सिंह को जख्मी हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया है। अन्य लोग फरार हो गए। एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया कि पुलिस ने कालका के एसएचओ के बयान पर मामला दर्ज कर दिया है। आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी में भाग रहे थे। कालका पुलिस इनका पीछा कर रही थी। कालूजिंडा में क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें आरोपी की टांग में गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि इस फायरिंग में पुलिस जवानों पर भी गोलीबारी हुई। बरोटीवाला पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में 400 गांवों को टीसीपी के दायरे से बाहर करना सरकार के लिए चुनौती। टीसीपी के दायरे से 400 गांवों को बाहर करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। अगर ये गांव बाहर किए जाते हैं तो प्लानिंग एरिया और शहरी निकायों की जनसंख्या घटना स्वाभाविक है। सरकार इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही है। इस मामले को 14 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है।
सरकार के पास हिमाचल के करीब 400 गांवों को टीसीपी के दायरे से बाहर करने के लिए आवेदन आए हैं। भवन निर्माण सम संबंधित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नियम जटिल होने के कारण लोग अपने एरिया को बाहर करना चाहते हैं। टीसीपी के अधिकारी और कर्मचारी भवन निर्माण को लेकर तरह तरह की आपत्तियां लगा रहे हैं। विभाग की ओर से निर्माण कार्य भी रोका जा रहा है। यही नहीं, जिन लोगों के भवन बन भी गए हैं उन्हें बिजली और पानी का मशल दिया जा रहा है। गांवों को टीसीपी के दायरे से बाहर करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह इसके चेयरमैन है। मंत्री सुरेश भारद्वाज और गोविंद ठाकुर सदस्य है। कमेटी सदस्यों ने फील्ड का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी है। अब इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जा रहा है। कागज नहीं, तेज रफ्तार पर रहेगी अब हिमाचल पुलिस की नजर। हिमाचल के लोगों के लिए काल बन रही वाहनों की तेज रफ्तार नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने नई कवायद शुरू की है। डीजीपी संजय कुंडू ने सूबे के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर कायदों को जांचने के बजाय डॉपलर रडार की मदद से तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करें। हादसे कम करने के उद्देश्य से डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को इसे गंभीरता से लेने को कहा है। डीजीपी ने बताया कि देश में हर 1000 में जहां औसतन 8 लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है, हिमाचल में प्रति 1000 में यह आंकड़ा 11 है। ऐसे में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हादसों में मौत चिंता का विषय है। बताया कि पुलिस मुख्यालय लगातार तेज रफ्तार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा भी करेगा। भ्रष्टाचार की शिकायतों में भी आएगी कमी। तकनीक का प्रयोग कर फर्राटा भरने वालों पर कार्रवाई से पुलिस को भ्रष्टाचार की शिकायत से भी निजात मिलेगी। दरअसल चेकिंग के दौरान अवैध वसूली की आमतौर पर शिकायतें आती है। कुंडू का कहना है कि कागज चेक करने से हादसों में कमी नहीं आएगी, बल्कि हादसों वाले जोन में पुलिस कर्मी तैनात कर व तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई से ही हादसों में कमी लाना संभव है। चुनाव, हिमाचल की 3500 पंचायतों की मतदाता सूचियां फाइनल। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3500 पंचायतों की मतदाता सूचियां फाइनल हो गई हैं। अब सिर्फ 115 नई पंचायतों की मतदाता सूचियों का 18 दिसंबर तक अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूचियां हिमाचल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। इन पंचायतों की मतदाता सूचियों की 20-20 प्रतियां प्रकाशित कर संबंधित जिलों, ब्लॉकों और पंचायतों को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। प्रदेश में इस बार 12 जिलों में कुल 3615 पंचायतें बनी है। पिछली बार कुल 3226 पंचायतों में चुनाव करवाए गए थे। इस बार 412 नई पंचायतें गठित की गई थी। इनमें 23 पंचायतें नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल हुई है। अब कुल 389 पंचायतों बनी है। इन्हें मिलाकर कुल 3615 पंचायतों में चुनाव होने हैं। सरकार ने पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद की वार्डबंदी भी कर ली है। इस बार प्रदेश की 3615 पंचायतों में 21384 वार्ड बनाए गए हैं। पंचायत समिति में 1792 और जिला परिषद से 249 वार्ड है। इनमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने हैं। कोरोना संकट के बीच हमीरपुर में सैनिटाइजर के सैंपल फेल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला हमीरपुर में एक कंपनी के सैनिटाइजर का सैंपल फेल हो गया है। क्षेत्रीय ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ की जांच में इसका खुलासा हुआ है। सैंपल रिपोर्ट में सैनिटाइजर में 50% इथाइल अल्कोहल कम पाया गया है, जबकि यह 100% अनिवार्य रूप से होना चाहिए। भरे गए सैंपल में इथाइल अल्कोहल कोरोना संक्रमण सहित अन्य वायरस को खत्म करने के लिए प्रभावी नहीं पाया गया। जिले के चौरू कस्बे से ड्रग इंस्पेक्टर ने सितंबर माह में सैनिटाइजर के सैंपल भरे थे। इन्हें जांच के लिए क्षेत्रीय ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ भेजा गया। यहां से 27 नवंबर को सैंपल की जांच पूरी हुई और 6 दिसंबर को ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर के पास इस सैंपल की रिपोर्ट पहुंची। अब विभाग संबंधित विक्रेता और निर्माता को नोटिस जारी करेगा। इसके बाद इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर बसंत मित्तल का कहना है कि चौरू से लिया गया सैनिटाइजर का एक सैंपल फेल हो गया है। विक्रेता, मध्यस्थ विक्रेता और निर्माता को इस बारे में नोटिस भेजा जा रहा है। मामला कोर्ट में जाएगा। विभाग कार्रवाई में जुट गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।